सारे अवतारों में वो है, बाकी सबसे ऊपर बैठा शिव है, शिव से बड़ा कोई नहीं। सबसे बड़ा इस पृथ्वी में शिव बैठा है। काशी का महत्व पुराण से है। भगवान शंकर भगवान ने पार्वती जी को लेकर यहाँ आया है। काशी को आपको गली गली छोटी छोटी मंदिरें मिलेंगी, शंकर भगवान का मिलता जाएगा। आज भी लोग काशी में शंकर जी के लिंग का स्थापना करने को बहुत इच्छुक रहते हैं। भगवान शंकर पार्वती जी स्नान किया, जहाँ उनका मणि था, मणि का कुंड मणि गिर गया तो खुद आज भी खुद हाथ पे है, कुंड से मिला। इसलिए लोग उसका नाम मणि करता है। यहाँ के कर्ण शंकर को लोग मानते, गंगा जी नहाना, गंगा लगाना, दर्शन करना, मलाई रबड़ी खाना, कटोरी खाने पीने के मना लोगों। चलें स्टार्ट। रोलिंग एंड एक्शन। तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूं तुझ में। तेरी बातें चटपट चाट सी है, तेरी आंखें गंगा घाट सी है। मैं घाट किनारे सो जाऊं और सुबह सुबह जागूं तुझ में। तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूं तुझ में। 9 साल की उम्र से आज 95 की हो रही है। केवल हमने काशी में काशी करे यह बद्रीनाथ में तप किया है, समझे नहीं। और बद्रीनाथ तो वो तप है कि इंडिया का पहला धाम बद्रीनाथ। विष्णु जी हमारे बद्रीनाथ के वैकुंठ धाम के राजा हैं, जिसके द्वारा फिर इंडिया के 4 धाम और बनाए गए थे। द्वारका, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, 4 शंकराचार्य के द्वारा शंकर अवतार यही हैं। इन्हीं के द्वारा ये वैकुंठ धाम से सारा सनातन धर्म बना है। ये सनातन धर्म जो है, जो बना है, ये टुटकाचार्य जी के बदौलत बना है। ये टुटकाचार्य जी के बराबर जो विष्णु जी ने इंडिया के अंदर तप करते हैं तो बद्रीनाथ में, और सवेरे भोग लगने के बाद जब आते हैं तो पहला उनका धाम काशी है। काशी को विष्णु जी आके बद्रीनाथ से और यहाँ मुक्ति धाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वाराणसी काशी है। इसी के अंदर जो इंडिया में हर जगह बॉडी नहीं जलेगी, जो काशी को मिला है हट विष्णु के द्वारा, ये वैकुंठ धाम, यहाँ पे मुक्ति होती है। जो भी आदमी इसी गांव में कहीं पे मरता है और जो यहाँ पे अपने घर वालों की बॉडी लाता है तो मुक्ति का हकदार। हमको स्नान करने में डर नहीं लग रहा है और ठंडा नहीं लगेगा। हम लोगों की आत्मा नहीं मरती, आत्मा हमेशा वही है। हम लोगों को ज्ञान पहले से मिल जाता है 48 घंटे पहले कि अब शरीर छूटने को है, अब अपनी चाबी सबको दे दो जिम्मेदारी। इससे सारे कष्ट, यही मंत्र जो है ना बेटा, जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है। इस वक्त कलयुग का समय, और कलयुग के समय में क्या होता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इंसान का बुद्धि जो है विनाश की तरफ ज्यादा है, धर्म की तरफ नहीं है। केवल अपने शौक, अपनी पिकनिक, अपनी मनोरंजन, यही पे आज 3 साल से जो चल रहा है, जो अर्थ सेवा पे इस वक्त वो धर्म चल रहा है। कहाँ पिला के छोड़ा है किसी ने, कहाँ पिला के छोड़ा है किसी। 95% बिक्री कर रहे हैं, 5% दर्शन कर पा रहे। केवल वीडियो बनाना, धर्म पत्नी के साथ कंधे में हाथ डाल के मंदिर में फोटो खिंचाना, ये सब हो रहा है। आज पूरे देश में, कल भी जो गंगा आरती हो रही है उसका दीपदान मैंने देखा है। कितनी दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, सुना जन्नत में दोनों साथ हो गए, यकी हमको दिलाया है किसी ने। मैं ऊंची सागरों से पूछता हूँ कि टूटा दिल भी जोड़ा है किसी ने। अपनी कहानी कैसे कहेंगे, अपनी कहानी। ये कलयुग तो अभी बहुत विनाश है, अभी बहुत नष्ट करेगा ये कलयुग। ये शांति से नहीं जाएगा। कितनी जगह पे पृथ्वी फटेगी और सारी बिल्डिंगें घुट जाएंगी। देव महादेव हमारे सारे धर्म जो है ना गिनती के हैं, सारे शिव के ऊपर से और गणेश से शुरुआत होती है। कोई भी पूजा होगी तो पहले हमारे गणपति को बैठाना जाएगा तो सारी पूजा होगी। गणानां त्वां गणपतिकुं हवामहे, कविं कवीनाम् उपमश्रवस्तमम्। हर हर शंकर जय जय शंकर, हर हर शंकर जय जय शंकर, हर हर शंकर जय जय शंकर, हर हर शंकर। पहले 5 साल के अंदर बद्रीनाथ की पृथ्वी फटके, जितनी मोदी बना रहा है सब बिल्डिंग उसी में घुस जाएगी, क्योंकि बद्रीनाथ जो है तप भूमि है, तपस्या करने की भूमि है, यज्ञ करने की भूमि है। वहाँ व्यास गुफा है, गणेश गुफा है। व्यास जी ने बोली थी तो भागवत गणेश जी ने लिखी थी। सरस्वती माता वहाँ से विराजमान है, प्रयागराज में दर्शन लिया। यहाँ से आलोक जानता के शिव शंकरा जानत हे शिव शंकरा। पाप पुण्य अलग नहीं, जो आज पृथ्वी में इंसान है, आज जो तुम कर रहे हो और तुम करके जाओगे तो तुम्हारी औलाद वो तुमको देगी। ये सनातन धर्म की बुनियाद थी, जिसके द्वारा आज गरीबी है और रईसी है। इस बनारसी ठुमरी बनारसी लैंग्वेज आई एम स्पीकिंग, और मैं ही इसका गीतकार और लेखक मैं हूँ खुद। पिया 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 ओ पिया बिना जिया मुरा कैसे लगो रे, पिया बिना जिया मुरा कैसे लगो रे, पिया 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 मुराजिया रे गयो रे, पिया पिया पिया। भोले बाबा का तो कुछ ऐसा है कि उनसे दानव तो डरते ही थे, देवता भी बहुत डरते थे। एक खुमारी, एक सुरूर, एक अतीन्द्रिय होश जिसको सांसारिक दृष्टि बेहोशी बोले। शंकराचार्य पैदा हुए, टुटकाचार्य जी शंकर अवतार हुए पहले पृथ्वी में, तो उन्हें पूरा यह धर्म रखा, उन्हीं से शंकर जी की पूजा हो रही। शिव के साथ कोई गारंटी नहीं, आप नहीं जानते कि आप आगे जा रहे हैं या पीछे, लेकिन आप कहीं तो जा रहे हैं। आप बस इतना जानते हैं, ये एक बिना तली के गड्ढे में गिरने जैसा है। सुनने में डरावना लगता है, बस ऐसा लगता है कि आप तैर रहे हैं। शिव एक बिना तली का गड्ढा है, उनके तरीके बहुत अलग हैं। शिव ने 7 बुनियादी तरीके सिखाए जिनसे कोई इंसान अपनी चेतना की गहराइयों में जा सकता है। हम हिमालय से देखते हैं पूरे संसार को। शिव में होना क्या होता है वो किसी की समझ में नहीं आते, उनको सब समझ में आता है। सन्नाटा वीराना खामोशी जानी जिंदगी लेती है